हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। स्वागत है आपका अपने ही चैनल जिसका नाम है NSTG काइट क्लब। तो दोस्तों, मेरे पास कुछ चरखियों का कलेक्शन था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको वही दिखा दिया जाए कि मेरे पास कितनी चरखियों का कलेक्शन है। ये जो दोस्तों पीछे लग रहे हैं सारे, ये 12-12 रील के चरखे हैं। कुछ खाली हैं, कुछ भरे हैं, कुछ नहीं हुए, वो आपको अभी दिखाता हूँ। ये बीच में लग रहा है सब 6-6 रील के, ये दोस्तों 3-3 रील के चरखे हैं, ये 1-1 रील के हैं, और आगे दो जो रखे हैं ये भी 6 रील के ही। अब मैं आपको दोस्तों एक एक करके चरखा दिखा देता हूँ कौन कौन से हैं मेरे पास। सबसे पहले दोस्तों आप ये 6 रील की चरखी देखिए, काफ़ी अच्छी चरखी है, मजबूत चरखी है। ये जो है दोस्तों ये चढ़ा हुआ है, इससे कि आपको मंजे पर खिस्सा नहीं लगे। ये दोस्तों 6 रील की चरखी है, 6 रील का मंजा लाया था शाहिद रजा का, तो उसकी ये चरखी है खाली हुई हुई, खाली हो जाती है दोस्तों, रखी हुई है, बाद में कुछ करेंगे इसका, दुकानदार को वापस दे देते हैं और नई चरखी लेते हैं, तो उसमें इसके प्राइस एडजस्ट हो जाते हैं। चरखी काफ़ी अच्छी है दोस्तों, इस पर आप सद्दी भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरे में 12-12 रील की चरखे हैं फाइबर के, तो मैं क्यों चढ़ाऊँ चरखियों में सद्दी, इसलिए चरखे वापस हो जाएंगे। देख, मैंने कहा एक बार आपको दिखा दूँ कौन कौन सी चरखे मेरे पास हैं। एक ये है चरखा 6 रील, अब ये देखिए दोस्तों एक चरखा ये रहा दोस्तों, इसी में कहा था, ये RND का है दोस्तों, ये देखिए RND VIP सोना। ये दोस्तों ये मंजा था गाजरी कलर का, बहुत शानदार मंजा लड़ा दोस्तों, ये भी RND का भी, इसका दोस्तों मेरे ब्लॉग भी पड़ा है अभी तक। एक चरखा बरेली से और मंगाऊंगा, इसका 12 रील का मंगाऊंगा, अगली बार ये 6 रील का था, काफ़ी अच्छा लड़ा। चरखे की क्वालिटी आप देख सकते हैं, 6 रील का चरखा है, इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे चरखा है। देखिए दोस्तों एक उसके बाद दोस्तों आती है छोटी छोटी चरखे, मैं रक्षाबंधन पर ले आया था, मंजे मंजे जो बच के आते हैं उन पर चढ़ाने पर काम आती है। ये एक चरखी है रही दोस्तों, एक चरखी है रही दोस्तों गुलाबी कलर की, और एक ग्रीन कलर की है रही दोस्तों। ये पिछली बार की रक्षाबंधन की मेरे पास पड़ी थी, मैंने इस बार निकाली थी, तो बच्चे बच्चे को दे दूंगा। एक चरखी दोस्तों ये भी है, ये एक ग्रीन का मंजा भरवा के लाया था दोस्तों। एक चरखी दोस्तों ये रही, एक चरखी दोस्तों ये रही, उसको थोड़ा हरा कलर का मांजा चढ़ा हुआ है। ये 3 रील की चरखी है दोस्तों, और फिर दोस्तों ये आ गई, ये सब 3-3 रील की चरखी हैं। ये मैं रक्षाबंधन के टाइम पे मंजे लाता रहता हूँ, खूब सारे 3-4 चरखियाँ ले आता हूँ, तब की रखी हुई हैं सब। बाकी मैं क्लब का फाइटर हूँ, तो बेसिकली मैं लाता ही रहता हूँ काफ़ी सारी चरखियाँ, वरखियाँ पेट चढ़ाने के लिए चरखी रखी है, तो बारीक वाली सद्दी चढ़ी हुई है दोस्तों, कभी ना कभी काम आई जाती है, इसलिए रखी हुई है। काफ़ी भारी चरखी है, इसे बीच में दोस्तों पत्थर लगा हुआ है, 3 रील की बहुत बढ़िया चरखी है दोस्तों। एक दोस्तों ये रही 3 रील की चरखी, मंजा आपको इसमें थोड़ा सा ही बचा है, ग्रीन से भी कम ही बचा होगा, इसको मंजे मल्टी कलर मंजा लाया था दोस्तों। एक चरखी दोस्तों ये भी है, और एक चरखी दोस्तों ये रही हमारे पास, इस पर गाजरी कलर का मंजा डला हुआ है। और दोस्तों ये चरखी ऐसे ही कुछ चरखी देख लीजिए आप, 3 रील की है दोस्तों। और ये दोस्तों पांडे मंजे की चरखी है, काला चांदी, ये देखिए दोस्तों ये लिखा हुआ भी है यहाँ पे, काला चांद की चरखी है दोस्तों। ये पांडा मंजा था, मैं लाया था एक बार दोस्तों, पांडा मंजा छत से काफ़ी ज़्यादा चाइना से पता नहीं उड़ रही थी आसपास, तो मैंने सोचा पांडे से ही क्यों ना काट दी जाए, क्योंकि दोस्तों पांडा मंजा काटता नहीं है, पतंग को तोड़ के ले जाता है, क्योंकि मजबूत इतना होता है। और कुछ दोस्तों ये 6-6 रील की और चरखियाँ हैं मेरे पास, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी मेरे पे चरखी है, कौन कौन सी वैरायटी की चरखी है। पहले मेरी वाली चरखियाँ डाल दी, मैंने नीचे डाल दी थी ऐसे, इसकी वजह से ट्राईपॉड इतना गिर जाए कहीं मेरा। अब ये देखिए दोस्तों ये भी चरखी बहुत बढ़िया, इसमें मैंने सद्दी भर रखी है, अभी छोटे मोटे पेज होते रहते हैं 200-500 गज तक, तो ये काम आ जाती है सर। ये देखिए दोस्तों ये भी मंजा भरा हुआ था, इस पर 6 रील का अहमद खान का मंजा लाया था दोस्तों, में ये 6 रील का मंजा था ब्राउन कलर का, काफ़ी अच्छा मंजा, सब मंजे दोस्तों अच्छे ही लड़े हैं, हम प्लेयर ही अच्छे लड़ाते हैं, तो मंजे तो क्या ही करेंगे दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों नया मंजा जो मैं लाया था उस दिन, आखिरी में क्लब कट फाइटिंग जब हो रही थी, वीडियो भी आई होगी आपके पास, तो उसमें मैंने काटा, दो पेज काट के मैंने पतंग उतार ली थी दोस्तों, तो ये तब का मंजा चढ़ा हुआ है, खूब सारा मंजा है दोस्तों, 200-300 मीटर होगा मंजा ये,
ज़्यादा लोग में पेज नहीं हो रहा था दोस्तों, उस दिन हवा हल्की थी तो 200-300 मीटर पे ही हो रहे थे पेज। जब जितना मंजा में जितना पेज चल रहा था उतना मंजा लगा के पीछे सद्दी बांध के ही लड़ा रहा था, हाथ पे मंजा रख के, थोड़ा सा मंजा आगे रख के, मतलब हाथ पे मंजा नहीं रख सकते, हाथ कट जाएंगे उन्होंने। तो ये देखिए दोस्तों, ये भी 6 रील की तरफ है। ये देखिए दोस्तों, ये भी पांडे की है, 2 जर की लाया था मैं एक साथ पांडे की, बस एक बार लाया हूँ मैं आज तक, उसके बाद नहीं लाता है। पांडा 1-2-3 पे ही है मेरा सारा विश्वास, 1-2-3 पे ही पांडा वांडा सब बेकार। ये देखिए दोस्तों, काला चांद का पांडा C28 की डोर पर। और दोस्तों नेक्स्ट चरखी है मेरे पास, ये 6 रील की है, काफ़ी पुरानी चरखी है दोस्तों, ये 8-10 महीने हो गए होंगे से, काला सोना की चरखी है दोस्तों, बरेली के ही मंजे उड़ाता हूँ मैं सारे। देखिए दोस्तों, काला सोना की तरह बहुत बढ़िया मंजा लड़ा था ये वाला भी, रेड कलर का मंजा है, रेड बैची मिक्सचर है, थोड़ा सा ही रह गया दोस्तों, 6 रील की पूरी चरखी उड़ा दी है। और एक दोस्तों ये रही 6 रील की चरखी, ये बीकानेरी चरखी है दोस्तों, आप देख सकते होंगे जैसे कि, ये देखिए दोस्तों काफ़ी अच्छी चरखी है, लंबी चरखी है दोस्तों काफ़ी। ये देखिए दोस्तों, ऐसे 6 रील की चरखी है और 6 रील की चरखी में आपको फ़र्क दिख रहा होगा दोस्तों, ये इसके आधी भी नहीं आ रही है। देखिए दोस्तों, ये चरखी इसके आधी भी नहीं आ रही है, ये 6 रील की बहुत बड़ी चरखी है। इस पे रजा एक्सप्रेस का मंजा था, बहुत शानदार मंजा था, काफ़ी अच्छा लड़ा, ब्लैक कलर का था, बारीक डोर पे था, बहुत बढ़िया लड़ा। नेक्स्ट चरखी दिखाते हैं दोस्तों आपको, ये देखिए दोस्तों, ये बहुत बढ़िया मंजा लड़ा, ये बाबू शाह का मंजा था, बहुत शानदार दौड़ लड़ी है दोस्तों ये रही। ये देखिए दोस्तों, बाबू शाह का मंजा था, सुपर फास्ट है, बहुत बढ़िया लड़ा हुआ। नंबर चाहिए तो आपको नंबर यहाँ से ले सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा मंजा लड़ा है इनका, इनका मंजा बिल्कुल यूनिसेक वाल की 2 कॉपी है। ये दोस्तों 6 रील है, जो मुझे 900 की 6 रील पड़ी थी, 1800 रुपये, काफ़ी अच्छा मंजा था, बहुत बढ़िया लड़ा, बारीक मंजा था, काफ़ी ज़्यादा मैंने इसे सत्ते बत्ते मारे मैदान से भी, अच्छा तो ही क्लब कैट बैठी थी। नेक्स्ट चरखी की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों कौन सी चरखी है। ये भी देखिए दोस्तों, 6 रील की चरखी है, इस पर थोड़ा सा चाइनीज़ मंजा आया, पिछली बार रक्षाबंधन पे काफ़ी आ रहा था चाइनीज़ मंजा, तो मैंने सोचा कि इस चरखी में भर लूँ, उसके बाद एक साथ ही जला देंगे, क्योंकि ये चरखी भी ख़राब है दोस्तों, इसकी डंडी भी हल्की हल्की हिल रही है, देखिए इसकी डंडी हल्की हल्की हिल रही है, तो मैंने सोचा इस पर चढ़ा के इसे ख़त्म कर देंगे चाइना मंजे को, क्योंकि दोस्तों फेंक तो चाइना मंजी गुंजन बना के तो बच्चे ले जाते हैं, सुलझा सुलझू को उड़ा देते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि ख़त्म ही कर दो। देखिए दोस्तों, इसका ये टूट चुका है, इसलिए कह रहा था। अब दोस्तों बढ़ते हैं 12 रील की चरखों की तरफ। तो दोस्तों हमारा पहला चरखा आ गया है, इस पर बारीक सत्ती चढ़ी हुई है और सिरा ना खोजा, इसलिए मैंने यहाँ पर भी टेप लगा रखा है। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने टेप हटा दिया, अब आप देखिए दोस्तों ये सिरा रहा है, मैं सिरे पे टेप इसलिए लगा देता हूँ आखिरी में, जिससे कि सिरा इसका खो नहीं जाए, इतना चरखी मिल जाता है दोस्तों आप, तो इसकी वजह से सारी सद्दी ख़राब हो सकती है। बारीक वाली सद्दी चढ़ी हुई है दोस्तों, इस पर 2 रील करीब चढ़ी होगी दोस्तों इस पर सद्दी। जब हम पेज लड़ाते हैं तो जितना हमें मंजा बांधना होता है सफिशेंट उतना बांधते हैं, उसके बाद चरखी में बारीक सद्दी लगा लेते हैं, अगर हवा हल्की होती है उसके पीछे मोटी सद्दी बांध देते हैं। ये दोस्तों 6 नंबर की सद्दी है और मोटी सद्दी भी रखी है मेरे पास 4 नंबर की, वो पीछे लगाते हैं, ग्रिप के लिए बहुत अच्छी होती है। और ये सद्दी हम इसलिए बांधते हैं, इससे मंजा ज़्यादा पतंग में आपकी ज़्यादा झोल नहीं आ, मंजा जैसा ही होती है ये सद्दी अच्छी है। मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि आप ये सद्दी बांध के लड़ाएं, अगर दूरों पे चढ़ाते हैं अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये दोस्तों आपको मंजा पता ही है मेरे पास, कौन सा सुल्तान टाइगर 927 पड़ा है, नंबर नंबर आपको पता ही होगा सर, एक मैं इसको ऊपर यूट्यूब पर वीडियो बना ही चुका हूँ, पूरा 12 रील का दरखा मैंने उड़ा दिया, ये 1-1.5 दिन मंजा बचा दोस्तों, तो काफ़ी दोस्तों अच्छा मंजा है, बहुत शानदार लड़ा है दोस्तों फाइबर की चरखी पे। ये देखिए दोस्तों कितना शानदार ये मंजा लड़ा दोस्तों, ये देखिए दोस्तों आपको मंजा देख के समझ आ ही रहा होगा कितना बढ़िया मंजा, ये देखिए दोस्तों शाइन भी मार रहा है हल्की हल्की, काफ़ी अच्छा लड़ा है दोस्तों ये मंजा, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा दोस्तों। बाकी आपकी चॉइस के ऊपर आप लेना चाहें ले सकते हैं, 1600 रुपीज़ की 1600 की, बहुत बढ़िया है मंजा ये, ना ज़्यादा बारीक है ना ज़्यादा मोटा है, मीडियम ढर्रे पे बहुत बढ़िया मंजा है, हल्की धार के साथ स्मूथनेस के साथ बहुत बढ़िया मंजा, फर्स्ट के और किसके दोनों तेरह से इसका बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है मंजे का। 1-2-3 की डोर पे आप इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ये दोस्तों वही 12 रील का चरखा जो मैं नया लाया हूँ 1800 का,
उसके ऊपर भी दोस्तों मैंने एक वीडियो बना दी है, आप चाहें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। ये देखिए दोस्तों फुल है अभी चरखा, इस पर से आधी रीली उड़ी है। उस दिन जो क्लब कैट पैटिंग सुबह सुबह हमने गेम लड़ाए थे उसमें मैंने इससे मंजे से पंजा काटा था, फिर गेम हमारे ख़त्म हो गए थे। बहुत कम कटी थी दोस्तों उस दिन हमारी, 3 या 4 पतंगे कटी तो रील पूरी नहीं हुई उसमें दोस्तों। आके बहुत बढ़िया लड़ा, हमने काटे भी खूब सारे पेज, ज़्यादा पेज नहीं हो पाए दोस्तों, सबसे उस दिन 15 या 16 पेज ही हो पाए। हमने 6:30 बजे से लड़ानी शुरू करी थी, 8 बजे बंद भी कर दिया, मैंने जाना था। ये दोस्तों दूसरा चरखा है 12 रील का, यहाँ से इसकी दोस्तों डंडी टूट गई थी तो मैंने जो है इसमें फेविकॉल भर के इसके ऊपर सर्दी चढ़ा दी थी, और इसकी डंडी बहुत बढ़िया है देखिए, कभी भी नहीं टूट सकती इसकी डंडी, आप कितना ही मार पटक ले। काफ़ी अच्छा चरखा है ये दोस्तों, मैं किसी को दे दूंगा, बच्चे बच्चे को, काफ़ी बच्चे बच्चे घूमते रहते हैं आप, उन्हें दे दूंगा मैं किसी को, क्योंकि हमारे काम का तो है नहीं दोस्तों, बहुत चरखे हैं हमारे पास, तो वैसे देखा ही होगा आपने जैसा कि वीडियो में। बचे हैं दोस्तों ये 3 तरह के 12 रील के, ये भी दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ, काफ़ी अच्छा है चरखा है। ये देखिए दोस्तों अहमद खान का ये चरखा है, इस पर हम 12 रील बंदे लाए थे अहमद खान का, काफ़ी अच्छी डोल लड़ी दोस्तों इसकी अहमद खान की भी, 12 रील का 12 रील उन्होंने उड़ा दिया, काफ़ी टाइम हो गया दोस्तों इसे, 8-10 महीने हो गए। मैदान में तो दोस्तों अगर लेके जाओ एक चरखा आपके तो 3-4 गेम ही हो पाते हैं उससे, उनके सब जने उड़ा देते हैं तो ख़त्म हो ही जाता है। एक दोस्तों ये चरखा है 12 रील का, ये भी काफ़ी अच्छा चरखा है, इस पर IPL की डोर चढ़ी हुई थी, IPL ब्लॉक करके उसकी डोर थी, मैं रक्षाबंधन के टाइम पर लाया था, इस पर 6 ही रील बन जाता, काफ़ी बढ़िया है इसका परफॉर्मेंस रहा है। काफ़ी सारे पेज काटे हैं, पेज तो दोस्तों वैसे पैसे से काटते हैं लेकिन मंजा भी कहीं ना कहीं साथ देता ही है, ऐसी बात नहीं है कि मंजा साथ नहीं देता, ये आपको पता ही होगा, इसका भी मैंने रिव्यू करा था, मुन्ने मियाँ की डोर है, बहुत शानदार डोर है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों इसके सब ब्लॉग भी ऊपर ही रखे हैं, अभी हमने हाल ही में से 21 से एक पे गेम लड़ा दिया था, काफ़ी इसके तेज़ धार का मांजा है, बहुत बढ़िया मांजा है, काफ़ी तेज़ धार है, खड़े कांटे पे, खड़े पैटर्न पे बिल्कुल बिल्कुल तेज धरने का मंजा है, ज़्यादा मोटा भी नहीं है, ज़्यादा बारीक भी नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार मंजा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों बल खुली डोर है दोस्तों, इतना बढ़िया इसका कांच चमक रहा है, ये देखिए दोस्तों बहुत शानदार डोर है दोस्तों, बल खुली है, हल्का सा ब्लैक का कलर दिया हुआ है इसमें, हल्का हल्का ब्लैक देख सकते हैं आप, जगह जगह हल्का हल्का ब्लैक है, मल्टी कलर बनाने के लिए दिया गया है, आपको पता ही होगा मुन्ने मियाँ की डोर है, मैं इसका रिव्यू भी कर चुका हूँ, 1 रील इसके अंदर रह गई है, देखिए लिखा है 1 रील, बहुत बढ़िया इसकी 12 रील का था तो इसकी 11 रील बहुत बढ़िया लड़ी है दोस्तों, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा इस चरखे का भी। तो दोस्तों यही थे मेरे पास कुछ चरखे, कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो मुझे कमेंट सेशन में आके ज़रूर बताना, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाना ये भी ज़रूर बताना, इस वीडियो को खूब सारा प्यार दें, खूब लाइक करें इस वीडियो को हमारी, और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को हमारी शेयर करें जिससे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ें, और मैं आपके लिए नए से नए कंटेंट बनाता रहूँ और लाता रहूँ। थोड़े दिन बाद दोस्तों मैं कल संडे है तो देखूँगा, कल सैटरडे है दोस्तों और परसों संडे है तो मैं देखूँगा, अगर मौका लगा सैटरडे संडे में तो मैं ग्राउंड हो जाऊँगा, आपके लिए वीडियो बना लाऊँगा। वैसे दोस्तों अगर हमारा गेम होगा तो टाइम नहीं मिलता दोस्तों, बिल्कुल आपको पता ही होगा, काफ़ी सारे पेज पेज चढ़ाने होते हैं वहाँ, काफ़ी ज़्यादा यही सब लगा रहता है, पेज चढ़ाओ, ये करो, पतंग छोड़ो, तो उसमें वीडियो बनाने का ध्यान ही नहीं रहता और दोस्तों टाइम भी नहीं मिल पाता, कभी कभार हमारे सामने वाली पार्टी हम पे भारी पड़ जाती है तो वैसे ही टाइम नहीं मिल पाता, कभी कभी हम भारी पड़ जाते हैं तो वैसे भी टाइम नहीं मिल पाता दोस्तों, दोनों तरफ से टाइम नहीं मिल पाता दोस्तों वीडियो बनाने का बिल्कुल भी, क्योंकि दोस्तों हम 4-5 बंदे ही जाते हैं, इसलिए सब बाहर हमें संभालना पड़ता है पूरे क्लब। ठीक है दोस्तों, वीडियो को खूब सारा शेयर करें, जो नए हैं हमारे चैनल पर वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्लेस कर दें बिल्कुल, और मिलते हैं फिर दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, और खूब सारा सपोर्ट करें, बाय बाय, टेक केयर गाइस।